हेलो फ्रेंड्स कैसे हो एक सेकंड रुकना फ्रेंड्स हेलो डियर फ्रेंड्स कैसे हो आज फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे रिलेवेंसी यानी कि रिलेवेंट यानी कि सुसंगत क्या होता है जब हम पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जिसमें सुसंगत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री में सारी क्लॉज बताई गई हैं सारी क्लॉज की डेफिनेशन है उन्हीं में से एक डेफिनेशन आती है जो हम लगातार पढ़ रहे हैं उनमें से एक डेफिनेशन है रिलेवेंट यानी कि सुसंगत क्या है देखो वैसे तो हम सब समझते हैं सुसंगत क्या है परंतु इंडियन एविडेंस एक्ट सुसंगत उसी को समझता है पढ़ लेते हैं किसको समझता है अगर मैं आपको भी बता दूंगा वही पढ़ना है उससे अच्छा एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ठीक है किसको समझता है ध्यान से समझना फ्रेंड्स वन फैक्ट यानी कि एक तथ्य इज सेट टू बी रिलेवेंट टू एनोदर एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है सेट टू बी रिलेवेंट टू एन अदर ठीक है फ्रेंड्स समझना बिल्कुल क्लियर बड़े प्यार से वेन one इज कनेक्टेड विथ दी अदर when जब वन इज जब तथ्यों की सुसंगति से अब इसको फ्रेंड्स आगे का इन्होंने अर्थ लिखा है ठीक है समझना बात को when the one is connected इज कनेक्टेड other दी अदर इन एनी ऑफ यानी किसी भी तरीके से रेफर टू इन provisions. यानी कि रेफर्ड किया जाता है इन दी प्रोविजन यानी कि इस सहायता के उपबंधों में रेफर्ड किया जाता है ठीक है ऑफ दिस एक्ट यानी इस सहायता के प्रोविजन में रिलेटिंग टू दी रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट यानी वो किससे संबंधित है किससे संसक्त है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्यों की सुसंगतता अब फ्रेंड्स आपको जो पूरा मैंने क्या समझाया है इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया है तो बहुत सारे चीज़ों को क्या है जोड़कर नहीं समझाया मैंने आपको तो एकदम आपको मतलब टिपिकल थोड़ा टफ़ सा लग रहा होगा ठीक ना आप समझते हैं दोबारा से अब इसकी हिंदी पढ़ूंगा और बड़े प्यार समझ में आएगी आप सबको एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है यानी कि कोई भी एक तथ्य तथ्य क्या होता है मैंने इससे पहले वीडियो में आपको समझा दिया यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारी पांचों इंद्रियों द्वारा ज्ञानेन्द्रियों द्वारा हमको समझ में आती है हमको उसका फील होता है वो सब क्या है तथ्य है यानी कि पृथ्वी पर जिस भी चीज़ का अस्तित्व तो है वो सब तथ्य ठीक है तो कोई भी तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत है यानी कि कोई भी फैक्ट दूसरे फैक्ट से अगर सुसंगत कोई भी तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो क्या समझ में आया क्या कहना चाह रहा है ये बहुत सिंपल सी बात कहना चाह रहा है यानी कि फ्रेंड्स कोई भी तथ्य अगर इसमें बताया जा रहा है और वो इस अधिनियम में जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है यानी कि तथ्यों की सुसंगतता वाला जो चैप्टर है उससे अगर रिलेटेड है अगर जो भी तथ्य है जो तथ्यों की सुसंगतता इस अधिनियम में बताई गई है अगर उससे कोई रिलेटेड तथ्य है तो वो सब तो सुसंगत है उसके अलावा कोई भी तथ्य जो हमारे मनगणंत कहानी के द्वारा हम बताते हैं वो बिल्कुल भी सुसंगत नहीं है यानी कि जो सेक्शन सिक्स सेक्शन सिक्स uh, से लेकर फिफ्टी फाइव ठीक है फ्रेंड्स मैं क्या समझाया गया है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट समझाया गया है यानी कि तथ्यों की सुसंगतता अगर हम बात करें फ्रेंड्स मनगणंत की यानी कि जो हम मन से यानी कि जो एडवोकेट होता है वो अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है जैसे कि आपको मैंने फैक्ट है बहुत सारे फैक्ट होते हैं जब कोर्ट में कोई मामला पहुंचता है तो एक मुद्दा होता है जिसको बोलते हैं फैक्ट एंड इशू यानी कि विवादक तथ्य यानी कि जो विवाद का मुद्दा है जो ज्वलंत मुद्दा है जिस पर विवाद हो रहा है एक एग्जाम्पल देता हूँ समझना बात को एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है ठीक है एक पार्टी ए है और दूसरी पार्टी क्या है बी है दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है तीसरा व्यक्ति आता है वो तीसरा व्यक्ति क्योंकि इंडिया में हर किसी को क्या है कि आधी रोटी पर दाल लेने की क्या है आदत है यानी कि जो आधी रोटी है उस पर सबको दाल लेना है तो वो आता है और बगल वाले से पूछता है भाई चल क्या रहा है तो वो क्या बोलेगा क्या बोलेगा वो कि लड़ाई चल रही है वो मुझे किस बात पे यानी कि लड़ाई तो चल रही है अब वो मुद्दा क्या है जिस पे लड़ाई चल रही है यानी कि बहुत सारे मुद्दे होंगे वहां पर तो उनमें से वो पूछेगा कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस बात पर लड़ाई चल रही है सोचो आप तो जो मुद्दा उस यानी कि जो दोनों पार्टी हैं ए और बी उन दोनों के बीच जो लड़ाई करा रहा है जो मूल जड़ है उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड फैक्ट इन इशू यानी कि विवादक तथ्य जो विवाद का क्या है कारण है समझ में बात को अभी हम बात कर रहे हैं रिलेवेंट की अब बात क्या होगी फ्रेंड्स वहाँ पे कि जब मुद्दा कोर्ट में पहुंचेगा तो फिर एक तरफ से एडवोकेट तथ्य देगा फैक्ट देगा यानी कि एविडेंस आएंगे तो वो कोशिश करेगा कि बहुत सारी चीज़ों को लिंक करने की तो वो उस बीच में मन से बहुत सारी कहानी जोड़ देगा जैसे कि वो बोलेगा कि उन दोनों पक्ष में लड़ाई चल रही थी तो बगल में एक व्यक्ति बंदूक चला रहा था तो बंदूक चलाने को वो उससे जोड़ेगा वो बंदूक उसने चलाई थी इस कारण से वहाँ पर कुछ कारण ऐसा मतलब एक मैटर उत्पन्न हुआ इस कारण से लड़ाई हो रही थी यानी कि वो चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करेगा जब वो मनगढ़ंत करी तरीके से यानी कि अपने दिमाग से चीज़ों को लिंक करेगा अगर वो चीज़ सेक्शन सिक्स से लेकर फिफ्टी के बीच में आती है तो तब तो वो सुसंगत हैं यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है इससे संबंधित अगर कोई फैक्ट है तो तो फ्रेंड्स वो रिलेवेंट है यानी कि सुसंगत है और अगर वो इसके अंतर्गत नहीं आता यानी कि सिक्स से फिफ्टी फाइव के अंतर्गत और तो दिमाग से कुछ भी अगर आप बता रहे हो तो वो सुसंगत की डेफिनेशन में नहीं आता यानी कि एडमिजबिलिटी उसको हम ग्राह नहीं मानेंगे यानी कि उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा कि भाई ये एविडेंस नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको रिलेवेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कोशिश करता हूं मैं थोड़ा समझना बात को पार्टी ए पार्टी बी दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है लड़ाई इस बात की है किस बात की है कि ए ने बी का कोई ए ने बी का क्या कर दिया फ्रेंड्स ए ने बी का मर्डर कर दिया यानी कि दोनों पार्टी हैं है, उन उनमें से किसी सदस्य का मर्डर कर दिया ठीक है दोनों के बीच में लड़ाई हुई किस बात को लेकर मान लो जमीनी विवाद था ठीक है ज़मीन का विवाद चल रहा था दोनों की खेती वगैरह जो भी कारण उसकी भी विवाद हुई वहाँ पर मर्डर हो जाता है अब मर्डर हो जाने के बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है ठीक है अब उसमें रिलेवेंट फैक्ट लिए जाएंगे यहाँ से वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जाएगा तो उन बीच में उस मुद्दे को घुमाने के लिए जब एडवोकेट होता है वो बहुत सारे तथ्यों को लेकर आता है ठीक है बहुत सारी चीज़ों को लिंक करता है जोड़ता है घुमाने के लिए उस बात को घुमाया जाए ठीक है कि उस मुद्दे को वहाँ से घुमा कर कहीं और ले लिया जाए और उसका पूरा का पूरा निर्णय यानी कि डिसीजन जजमेंट को बदला जाए यानी कि वास्तव में जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको बचाया जाए क्योंकि एडवोकेट का धर्म क्या होता है एडवोकेट का धर्म होता है फ्रेंड्स जो अपना पक्षकार है उसकी बात को उसको बचाए यानी कि जिसका मुवक्किल है उसका जो यानी क्लाइंट है उसको बचाने का प्रयास करता है दोनों तरफ एडवोकेट होते हैं फ्रेंड्स तो वो दोनों तरफ प्रयास करते हैं कोई भी एडवोकेट ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स जो अपने मुवक्किल को फँसाए यानी कि उसने वास्तव में मर्डर किया और बोला उससे भाई आपने मर्डर किया आप जेल जाओगे ऐसा को। वो कोशिश करता है उसको बचाने की कुछ ना कुछ तो करता है चाहे फिर निर्भया के गुनागार थे फ्रेंड्स उनको भी एक एडवोकेट साथ थे उनको ही बचाने की कोशिश की यानी कि वकील तो अपना धर्म निभाता है इसी प्रकार से हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो भी अपना धर्म निभाता है वो कहता है सेक्शन सिक्स से लेकर फिफ्टी फाइव के बीच में आप कुछ भी ले आओ और वास्तव में वो फैक्ट एंड इशू से जुड़े हुए हैं और वो सेक्शन सिक्स से लेकर फिफ्टी फाइव के बीच में आते हैं तो उनको तो मैं सुसंगत कह दूंगा उसके अलावा मैं किसी को भी सुसंगत नहीं कहूँगा ठीक है तो ये तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स ठीक है अब एक सिंपल से जो अपन जो आम लोगों के लिए एक डेफिनेशन रहती है कि सुसंगत क्या है देखो फ्रेंड्स समझाता हूँ आपको सुसंगत क्या है अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स पढ़ाते वक्त कोई व्यक्ति मेरे से पूछता है सर आप बताइए कि आ, क्या बताइए आप मेरे लिए कि सर जज कैसे बना जाए या फिर सर आप मुझे बताइए कि सिविल जज का सिलेबस क्या है कोई अगर मेरे से पूछता है तो मैं उसको बताता हूँ सिविल जज की सिलेबस बताना शुरू करता हूँ उसके अंदर एक्ट बताता हूँ उससे बोलता हूँ मैं आपको सी पढ़ना पड़ेगी फिर उससे बोलता हूँ सर आपको आई पढ़ना पड़ेगी उससे बोलता हूँ मैं आपको एविडेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको सी पढ़ना पड़ेगी यहां तो इन तीनों की बात चल रही है इसी बीच में एक मैं ऐसी चीज लेके आऊँ जिसका इन चीजों से कोई मतलब नहीं है मैं बोलता हूं आपको मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा तो आप सब लोग मैटर से भटक जाओगे भटक जाओगे क्योंकि मैथमेटिक्स का यानी कि गणित का यहां इनसे कोई मतलब नहीं है सिविल जज से यानी कि जो मैथमेटिक्स है वो सुसंगत नहीं है वो क्या असंगत है समझ गए मेरी बात को यानी कि जो जिस चीज़ के बारे में बात चल रही है उस चीज़ से रिलेटेड अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वह सब तो सुसंगत है उसके अलावा अगर किसी और टॉपिक की बात हो रही है तो वह सुसंगत नहीं है यानी कि अगर बात चल रही है सी आर पी सी आई पी सी एविडेंस की यानी कि फ्रेंड्स ये सब क्या है क्रिमिनल एक्ट आ जाते हैं और अगर बीच में अगर हम सी पी सी को लेके आ गए तो यह भी असंगत हो जाता है क्योंकि ये सिविल है फ्रेंड्स ठीक है तो एविडेंस आई पी सी अगर सी आर पी सी की बात चल रही है तो इन्हीं की बात चलना चाहिए इसके अलावा अगर कोई और आता है मान लो हम टी को ले आए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो वो अगर सिलेबस की बात की जाए तो वह सुसंगत है अगर सिलेबस की बात ना की जाए तो वो असंगत हो जाएगा फ्रेंड्स ठीक है इसी प्रकार मैथमेटिक्स तो बिल्कुल भी असंगत है ठीक है जैसे कि और समझिए और एग्जांपल जैसे कि कहीं पर हम सब्जियों की बात की जाए अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है आलू टमाटर ठीक है बैगन कटहल कोई भी सब्ज़ी लेके आता हो बीच में अगर कुछ एक ऐसी चीज़ को ले आता है यानी कि फ्रिज वो बोलता है फैन या फिर वो बोलता है मोटरसाइकिल या फिर वो बोलता है एडवोकेट या फिर बोलता है कुछ भी लेके आ जाता है जो चीज़ उससे असंगत लगे हम सबको तो फ्रेंड्स मैंने अपने तरीके से बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया क्या क्या सुसंगत है परंतु एविडेंस एक्ट तो इतना कहता है कि जो सेक्शन सिक्स से लेकर फिफ्टी के बीच में फैक्ट इन इशू से जुड़े हुए जो जितने भी फैक्ट लेकर आप आते हो ठीक है वो सब रिलेवेंट होंगे अगर वो सेक्शन सिक्स से फिफ्टी फाइव के बीच में आ रहे हैं अगर सेक्शन सिक्स और फिफ्टी फाइव को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको मैं सुसंगत नहीं कहूंगा मैं यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट एटीन सेवेंटी टू ओके तो आपको मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा इसके बाद हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे फैक्ट एन इशू को समझेंगे और फैक्ट एंड इशू के बाद समझेंगे डॉक्यूमेंट को कि डॉक्यूमेंट क्या होता है ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट और फैक्टिन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स